2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकने की कोशिश में विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। 12 जून को पटना में होने वाली बैठक के लिए सीएम नीतीश ने राहुल समेत सभी विपक्षियों को न्योता भिजवा दिया है। ऐसी संभावना है कि विपक्ष के 15 से 20 राजनेता पटना में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि महाबैठक में यह तय हो जाएगा कि किस समीकरण के तहत विपक्ष एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव लड़ेगा। अगर इन्हें सरकार बनाए जाने का अवसर मिला तो नीतियां क्या क्या होंगी, इस पर भी इसी बैठक में चर्चा होगी। आने वाले वक्त में यह देखना होगा कि पीएम मोदी के खिलाफ क्या विपक्ष एक हो पाएगा, क्या सीएम नीतीश के न्योते पर सभी विपक्षी दल पहुंचेंगे या स्ट्रैटेजी कुछ अलग होगी, क्या नीतीश के समझाने से केजरीवाल और कांग्रेस मान जाएंगे और एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, क्या विपक्ष को समझाने में नीतीश सक्षम है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो विपक्षी एकता को लेकर लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। जहां एक तरफ सीएम नीतीश कुमार विपक्षियों को समझाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी इसके जवाब में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एनडीए कैसे मजबूत हो, जनतांत्रिक गठबंधन कैसे मजबूती से आगे बढ़े, इस पर चर्चा हो रही है। खबर यह है कि टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह से मुलाकात की है। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। ये बैठक गृह मंत्री के आवास पर हुई है। ये बैठक भाजपा और उसके पूर्व सहयोगी टीडीपी के बीच संभावित गठबंधन की अटकलों के बीच हुई है। निश्चित तौर पर बीजेपी की भी तैयारी है महागठबंधन या विपक्षी एकता से कैसे लड़ा जाए। अगर एनडीए का गठबंधन मजबूत हो जाएगा तो शायद विपक्षी एकता एक होने के बावजूद भी भाजपा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, इसी तैयारी में भाजपा लगी है। आंध्र प्रदेश में एक साथ आने की संभावनाओं पर भी चर्चा हो रही थी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। इसके अलावा दोनों ने तेलंगाना में भी आने वाले जो चुनाव है उन पर भी चर्चा की है। आपको बता दें कि भाजपा नेतृत्व ने अपने मिशन दक्षिण में तेलंगाना पर फोकस किया है। इस राज्य में बीजेपी स्थानीय निकाय चुनाव में भी अपनी पैठ बना रही है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद से विशेष दर्जे की मांग को लेकर 2018 में बीजेपी से नाता तोड़ने वाले चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ चुनावी समझौते के इच्छुक हैं, लेकिन भाजपा की राज्य इकाई के कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया है। पिछले कुछ सालों में दोनों दलों के बीच संबंधों में खटास आ गई है। ये नेता नायडू द्वारा 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी की आलोचना और बाद में कांग्रेस के प्रति उनकी गर्मजोशी का हवाला दे रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से भाजपा नेतृत्व का ध्यान दक्षिण के राज्यों पर है, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहां किसी भी कीमत पर वो कांग्रेस के लिए कोई लाभ की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हर खाने वो बाकायदा भर रहे हैं और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले जब अमित शाह से टीडीपी के साथ गठबंधन की संभावनाओं के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया था, लेकिन पिछले साल से चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा नेताओं से मिलने के लिए कई बार दिल्ली का दौरा किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है। टीडीपी ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को भी समर्थन किया था। अब आप समझिए कि अगर विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सारे धड़े एक तरफ ऐसे मजबूती से काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए को भी, भाजपा को भी अपने गठबंधन को मजबूती से काम करने के लिए आगे आना होगा और शायद इसी कड़ी में इस तरह के मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा दक्षिण के राज्यों में भी लोकसभा चुनाव के लिहाज से अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश करेगी, क्योंकि कर्नाटक में ऐसी बहुत सारी विधानसभा सीटें थी जो कि महत्वपूर्ण थी, जहां की जो संसद की सीटें थी वो उससे प्रभावित होती थी। इसलिए अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भाजपा को मजबूत होना पड़ेगा विपक्षी एकता को कमजोर करने के लिए।